तो प्यारे दोस्तों देखिए, हम प्रतिशत निकाल सकते हैं किस तरीके से, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो कि 80 का 40%, तो यदि जीरो है तो उसको तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए एक ये जीरो और ये जीरो, यहाँ से दो ये वाली परसेंटेज की जीरो है, ये सब चली जाती है, तो 832, तो 80 का 40% 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 90 का 50% यदि कहा जाए, तो जीरो से ये दो जीरो से ये वाली जीरो चली जाती है, तो 9×5 45। दोस्तों आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। इस वीडियो में हम प्रतिशत को जानेंगे। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। यह सीरीज हम उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग और डीएलएड सीटेट यूटेट के लिए चला रहे हैं। सभी को नमस्ते, राम राम। मैं संजीत चौहान और आप देख रहे हैं युवा मैथ ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रतिशत। टॉपिक होगा प्रतिशत। प्रतिशत वह भिन्न है, किसे कहते हैं? सबसे पहले समझ लीजिएगा प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत आप समझ सकते हो, प्रतिशत प्रति मतलब उसमें से, और सत सौ प्रति मतलब भाग होता है कितना, और सत यानी कि सौ, सौ में से कितना भाग, यानी प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सौ हो। प्रतिशत क्या होती है? जिसका हर सौ हो। जैसे 30% लिख दिया तो 30/100 यानी कि 30/100 यानी इसके क्या कर दिया है, 100 भाग किए हैं, 100 भाग में से ये 30 भाग, 100 बराबर भागों में से 30 भाग, उसको कहते हैं 30%। ऐसे 40% का मतलब 100 बराबर भागों में से 40 भाग, ये 40% कहलाएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखिए 35% आ गया है, इसको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो कैसे करेंगे। इसको हम सबसे पहले 35 एजेटिज लिखेंगे और इसके बटे निशान लगाएंगे, देखिए परसेंटेज को हटाएंगे और इसकी जगह बस 100 लगाना है, ये बन गई आपकी भिन्न। इसी प्रकार से इसको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर छोड़ सकते हैं आप, तो 1.6। सबसे पहले तो आप इसका क्या करना है, प्रतिशत, ये प्रतिशत को हटाया, ये परसेंटेज है, यहाँ से हमने 1.0 कर लिया है और प्रतिशत को हटा करके इसकी जगह 100 लगा दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 16/1000। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। कुछ और सवाल ले सकते हैं हम इसमें, जैसे 60% तो हमने ले लिया है 60 और प्रतिशत, तो देखिए प्रतिशत को हटाएंगे 100 लगाएंगे, तो यहाँ से 0 से 0 6/10, इसको शॉर्ट करना है तो कर सकते हैं आप 6/10 या 3/5 भी कह सकते हैं इस तरीके से। चलिए दूसरे है इसका एकदम विपरीत, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, 1/2 है तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे हम, 1/2 प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या करना है, गुणा 100 से गुणा करनी है और प्रतिशत का चिन्ह लगाना है बस। तो यह हो जाएगा हमारे पास 100/2 यानी 2 से इसको काटेंगे तो 50, तो यह हो जाएगा 50%। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% होता है, 1/2 यानी 50%। इसी प्रकार 1/4 ले लेंगे तो 1/4 का मतलब 1/4 गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह, तो 4 से इसको काटा तो 25, तो यह आ जाएगा 25%। इसी प्रकार से 1/10 लेंगे तो 1/10 का हम बनाएंगे तो 1/10 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे और 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना और प्रतिशत का चिन्ह 10 से ये जाएगा 10, तो यह आएगा 10%। ठीक है, वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। वाला तो आसान है प्रतिशत निकालना, जीरो वाले में आसानी होती है प्रतिशत निकालने के लिए। किसी भी संख्या को और ले सकते हो आप, जैसे हमने नंबर ले लिया है 20 का 10%। तो देखिए 2 1 0 2 0 ये हटा देंगे और 2 1 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 30 का, चलिए 15% निकालना है तो हमने क्या करना है, 30 का 15%, इसमें देखिए 30 × 15 और बटे में 100 करना है बस। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो गई, 15 या 45/10 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4.5। ठीक है, इस तरीके से हमें सवाल को हल करना है। देखिए आसान है ना, आसान लगेगा जब आप पे करने आ जाएगा, आसान हो जाएगा अपना आप ही। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 90 का 25% ले लेते हैं। चलो तो इस तरीके से सवाल आ गया 90 का 25%, तो ये आ जाएगा 90 × 25 और बटे 100। तो इस जीरो से ये जीरो चली गई है, 5 × 2 = 10 और 5×5 = 25, 9×5 = 45 बटे 2, 45 का आधा हो जाएगा 22.5। ये देखिए कितना शानदार तरीका है,
इसी तरीके से आप इसको किसी भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखिए चलिए मार्क्स के प्रतिशत कैसे निकालते हैं, किसके मार्क्स के, आपके पास कोई मार्क्स आते हैं तो मार्क्स का परसेंटेज निकालना, हम इसी में आपको सिखा देंगे प्रतिशत कैसे निकालें, कैसे निकालें। तो देखिए मार्क्स के परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मार्क्स के प्रतिशत आपको पता है, माना कि 500 में से 500 में से आपके नंबर आ गए हैं 360। तो अब आप सोच रहे हैं कि प्रतिशत कैसे निकालें, तो आपको क्या करना है, देखिए हम नंबर को ऐसे लिखते हैं 360 बटे 500, यानी 360, 500 में से 360 ये सब प्रतिशत लिखते हैं और गुना लगाएंगे 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो चली जाएगी और 5 से आप इसको भाग दे सकते हैं, 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10, तो यह आ जाएगा आपका 72%। इतना आसान तरीका है परसेंटेज निकालने का। तो यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और आप कमेंट करके नहीं बता रहे हैं कि हम वीडियो कैसी बना रहे हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो में सुधार करेंगे, अपने कुछ तरीकों में सुधार करेंगे हम। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल युवा मैथ ज्ञान में, मैं संजीत चौहान। आज का टॉपिक होगा प्रतिशत से, और ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, लेकिन विशेषतर ये जो हम सीरीज चला रहे हैं ये DLED, SSC, GD और हमारा उत्तराखंड प्रवक्ता की जो भर्ती आने वाली है उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए है, और ये सभी लगभग सभी में इससे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसमें बने रहिए।